नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे हस्तरेखा गुरु में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बहुत ही विचित्र योग और पूर्णतया शक्ति योग बताने जा रहा हूँ आपको। और यह योग मैं बहुत से हाथों में देखा हूँ, उसी के बेस पर तौर पर आपको बताने का अनुगम ले रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि यह योग जो है बहुत से पीपुल्स के हाथ में आया है, बहुत लोगों का हाथ मैंने देखा है, उनके हाथों में पाया है। क्या आप इसका डिटेल्स जान सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं? आप हमारी देखते रहें तो ये हमारी जीवन रेखा है और मैं अपनी सारी वीडियो में इसको बता चुका हूँ। फिलहाल जरूरत है, यहाँ भी तो बताया जा रहा है, ये हमारी जीवन रेखा है। आप क्या एक चीज़ देखेंगे, इसको बहुत नोटिशिबल बात है, इसको आप थोड़ा ध्यान देना। ये जीवन रेखा से हमारी एक रेखा और निकलती है, या इससे पास जुड़ के दूर, इससे थोड़ी, कैसे भी कई स्थितियों में निकल सकती है, जिसे हम अपनी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियोस और देख सकते हैं, उनमें बताया गया है मस्तिष्क रेखा कैसे निकलती है और मस्तिष्क रेखा के बारे में बहुत सारी सटीक जानकारी भी दी गई है। उसे आप हमारे चैनल के माध्यम से और वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। और एक होती है हमारी हृदय रेखा, जिसको भी सब लोगों को पता है, इसका उद्गम, इसका स्थान और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता है आप लोगों को। तो नहीं पता है श्रीमान जी लोग, तो आप हमारे वीडियोस को देखें। और ये हमारी हृदय रेखा है। मैं योग जो बता रहा हूँ आपको, वो बहुत स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ और विथ प्रमाण प्रूफ एकदम सत्य है। और ये मेरे द्वारा जो है देखा गया है, प्रैक्टिकल वेज नॉलेज है। मैंने बहुत सारे हथेलियों को देखा है इस प्रकार से, तो मेरे मन में विचार है बहुत से लोगों के हाथ में यह रेखा है, क्यों ना इसको जानकारी के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाए। जानकारी ये है कि जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा तीनों मिली हुई होती है, वह व्यक्ति काफी क्रोध कर सकता है। सबसे पहली बात नोटिस करना आप, वह काफी क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, उसे बात बात पर गुस्सा आ सकता है, बात करने का कोई मैनर नहीं हो सकता है। अर्थात पहली बात तो उसे काफी क्रोध हो सकता है, दूसरा बात करने का कोई मैनर नहीं हो सकता है, वो विदाउट मैनर का बात करता हो, हालांकि दिली हो सकता है, काफी दिली वाला हो, अर्थात वो दिल का अच्छा हो, पर ये खूबियां पाई जाएंगी। रस लेने में अर्थात आनंद लेने में, चुटकी लेने में भी वो माहिर हो सकता है। और सबसे खराब बात आपकी बता दूं कि ऐसे लोग जो कि एकदम प्रूफ है, जो देखने में आया है, चौथी बात, वो बात ये है कि ऐसे लोग किसी भी झगड़े में, कहीं भी झगड़ा हो रहा, घर परिवार से संबंधित या कहीं और, या रिश्तेदारी, जहां भी जैसा, तो ये लोग पहले कूद जाते हैं। सबसे नोटिसेबल बात कि ये किसी भी झगड़े में जानबूझकर आगे दौड़कर कूद जाते हैं। हाँ तो सॉरी, मैंने वीडियोस पॉज कर दिया था 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत हो गई थी, तो मैं ये बता रहा था कि वो ऐसे लोग किसी भी झगड़े में जानबूझकर कूद जाते हैं, अर्थात कहीं झगड़ा हो रहा है तो ये लोग पहले गुस्से से दौड़ करके, काफी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो गुस्से से दौड़ करके ये लोग पहले झगड़े में ही कूद जाते हैं और जो है किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। उनकी जीवन रेखा के अनुसार ये भविष्यवाणी की जाएगी कि क्या हो सकता है। पर इन इन तीनों रेखाओं का मिलना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोग, हो सकता है कि आर्थिक संघर्ष से भी बचपन में काफी जूझे रहे हों, या कुछ वर्षों तक आर्थिक संघर्ष का काफी दिक्कत उनको रहा हो, सामना करना पड़ा हो, जो भी जैसा, परंतु ये बात और सारी रेखाओं से डिटरमाइन की जाती है। परंतु इतना मैं बता दूं कि ये संभावना है कि ऐसे लोग आर्थिक समस्या से जूझा करते हों। मैं इस हथेली का चित्र भी आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। और आपको ये जानकारी कैसी लगी है? और भी जानकारी हमारे पास है, परंतु ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दिया। जानकारी कैसी लगी है उसके अनुसार, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड कलर का जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी दी गई जानकारी आप तक स्पष्ट रूप से पहुँच सके। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यह वीडियो देखने।